जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का वार्ज आर्ट यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं आप सभी के लिए पॉइंट टू पॉइंट आप सभी के बीच में जो आपका रीट एग्जाम 2024 का होने वाला है उसके अंदर रीट पात्रता परीक्षा के अंदर संपूर्ण सिलेबस क्या रहेगा, जो आपका लेवल वन के अंदर जो पात्रता परीक्षा होती है लेवल वन में अभी ऑफ सीजन चल रही है, भर्ती कब आएगी, क्या रहेगा, सारी जानकारी आप देख रहे हैं। जैसे न्यूज आती टूट पड़ते हैं कि भर्ती कब आएगी, वाह एग्जाम कब होगा, वाह यही सोच रहे हो। भर्ती आपकी होगी, एग्जाम होगी, हो सकता महीना दो महीना लेट हो जाए। अभी आपके आचार संहिता लगी है, चुनाव आयोग का उसके हिसाब से देखा जाए तो पात्रता परीक्षा आपकी जो है बहुत जल्दी आपके लिए हो जाएगी और मेंस जो होने में टाइम लग सकता है भाइयों और बहनों, सीधी बात यह है। अब इसके अंदर आप जो आपका लेवल वन का है इसके अंदर पात्रता परीक्षा में क्या सिलेबस रहता है, पात्रता परीक्षा का टॉपिक वाइज सिलेबस आपके बीच में मैं पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। सेशन को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए ताकि आपका कोई भी पात्रता परीक्षा का सिलेबस नया विद्यार्थी कोई भी है बीएसटीसी करके आया है तो उसको समझने में आसानी से आपको समझा दूंगा, आपको कोई इसके अंदर डाउट नहीं रहने दूंगा, ठीक है। इसके अंदर बात करता हूं आप सभी के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 का ये नोटिफिकेशन भले हो लेकिन आपको 2024 के अनुसार जो आपका सिलेबस रहेगा वो एक्सप्लेन इसके अंदर करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टीचर जिनका अंदर पात्रता परीक्षा होने का आपको डर है, पिछली बार आपको पता है 16 लाख विद्यार्थियों में से 8 लाख विद्यार्थियों ने पात्रता परीक्षा ही पास नहीं कर पाए, तो इस हिसाब से अभी आप पात्रता परीक्षा में थोड़े से लग जाओगे तो आपकी आराम से पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पहले खंड के अंदर बात करूंगा, आपके लिए 5-6 खंड दे रखे हैं, कौन से खंड किसको सिलेक्ट करना होता है, तमाम जो बातें हैं जो विद्यार्थी के अंदर मन में रह जाती है वो आपकी बात करूंगा। पहले बात करता हूं 30 अंक की 30 अंक आएगी, 30% 30 अंक आएंगे जिसके अंदर बाल विकास शिक्षण विद्या रह जाएगी और इसके अंदर खंड एक की बात कर रहा हूं, बाल विकास के अंदर टॉपिक आपके बाल विकास आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर बाल विकास के अंदर वसानुक्रम वातावरण की भूमिका आ जाएगी, व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाएगी, इस टाइप से ये टॉपिक आपके लिए यहाँ पे दे रखा, अधिगम वगैरह का हो गया, ठीक है। अधिगम हो गया, अधिगम के अर्थ संकलन हो गई, अधिगम के सिद्धांत हो गए, बच्चे सीखने कैसे हैं क्या करते हैं यह सारी इसके अंदर प्रक्रिया आ गई। बच्चों के बारे में जितनी भी जानकारी है 2005 की रूपरेखा आपके लिए आ गई है, वो सेम चीज़ें पेडालॉजी जो आपकी इंग्लिश के अंदर दे रखी है अपने पहले पेज के अंदर अपने बात कर ली थी। नेक्स्ट पेज में बात करता हूँ आपके खंड बे के बारे में, खंड बे आपके लिए यहाँ पे आपकी भाषा रहेगी, भाषा फर्स्ट। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड कन्फ्यूजन हो रहे हैं, तो मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि आपके इसके अंदर भाषा फर्स्ट के अंदर जो आपकी आएगी वो आपकी सेकंड के अंदर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, सेकंड भाषा के अंदर आप यहाँ से सेम भाषा जो हिंदी आपने फर्स्ट भाषा ले ली वो नहीं ले सकते। इसके अलावा आप इसके अंदर संस्कृत इंग्लिश पंजाबी उर्दू गुजराती कोई भी भाषा ले सकते हैं। इस सेशन में आपने बात करने वाले हैं ओनली फर्स्ट भाषा हिंदी के बारे में बात करेंगे और सेकंड भाषा जो आपकी संस्कृत रहती है, सभी विद्यार्थियों की लगभग विद्यार्थी संस्कृत ही सिलेक्ट करते हैं, बहुत कम विद्यार्थी जो इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, अपने संस्कृत वालों पे बात करेंगे। संस्कृत सेकंड भाषा लूंगा और फर्स्ट भाषा हिंदी की लूंगा यहाँ पे, ठीक है। हिंदी की फर्स्ट भाषा में बात करूँ तो 30% आएंगे, 30 अंक की आएगी। इसके अलावा इसके अंदर आपकी अपठित गद्यांश रहता है, गद्यांश के अलावा आपकी हिंदी की व्याकरण रहती है जिसके अंदर आपकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वगैरह आपकी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। गद्यांश वगैरह आ जाता है, शब्दों का स्पष्ट करना वगैरह आपके इसके अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करता हूँ यहाँ पे मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह भाषा की शिक्षण विद्या भी इसके अंदर आ जाती है, हिंदी की शिक्षण विद्या भी इसके अंदर कवर हो जाती है। सब कुछ 10वीं के बेस का इसके अंदर रहता है, 10वीं क्लास के लेवल का इसके अंदर मटेरियल रहता है, ठीक है। इसके अंदर भाषा फर्स्ट के अंदर लैंग्वेज इंग्लिश भी आप सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन मैं इसके अंदर हिंदी बता दिया है। तो अब खंड 3 के ऊपर मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट, यह भी आपका खंड 2 ही दिख रहा है, प्रथम भाषा संस्कृत दिख रही है लेकिन आपको मैं खंड 3 पे ले चलता हूँ। खंड 3 में आपको समझाता हूँ कि खंड 3 में आपने संस्कृत भाषा अपने देखने वाले हैं, ठीक है। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। इसके अंदर खंड दूसरा है गुजराती का, इसके अंदर खंड यह तीसरा आ गया। खंड तीसरे के अंदर भाषा सेकंड हिंदी की आई है लेकिन अपने हिंदी सेलेक्ट नहीं कर सकते, हिंदी अपने फर्स्ट भाषा सेलेक्ट कर ली है तो आप सेकंड भाषा इसके अंदर आप संस्कृत सेलेक्ट कर सकते हैं या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश नहीं बताने वाला, मैं आपको संस्कृत बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर संस्कृत का सिलेबस एक्सप्रेशन करने वाला हूँ। यहाँ पे 30% और 30 अंक आएंगे संस्कृत भाषा खंड तृतीय और इसके अंदर भाषा द्वितीय आपके बीच में होगी।
इसके अंदर आप देखेंगे भाषा द्वितीय के अंदर आपकी संस्कृत की व्याकरण क्या है वो इसके अंदर आएगी, देख सकते हैं। इसके अंदर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर इत्यासम, क्रम, संस्कृति में इस टाइप की इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये आपके संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष, विशेषणीय, लिंग संबंधित प्रश्न इत्यादि इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आपकी संस्कृत की शिक्षण विद्या भी दे रखी है, संस्कृतम भाषा शिक्षण विद्या और संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांता, संस्कृत शिक्षण अभिरुचिया प्रश्नम, ठीक है, इस हिसाब से आपके लिए यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद भाषा सेकंड आपके लिए यहाँ पे उर्दू, पंजाबी यहाँ पे दे रखा है। अब आप खंड चार के ऊपर जाएंगे, खंड चार में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है वो आपको इसके अंदर देखना है। खंड चार आपके बीच में यहाँ पे गणित विज्ञान आ चुकी है, आपके लिए यहाँ पे गणित के 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक आएंगे, वो आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आपके खंड चार आपका आ चुका है, इसके अंदर आपका 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय सक्रिया, जोड़ बाकी, गुणा भाग, भारतीय मुद्रा इत्यादि इसके अंदर आ गए। इसके अलावा क्षेत्रमिति के प्रश्न वाले आ गए, भाज्य अभाज्य आ गया, सरल ब्याज आ गया, ये सब इसके अंदर आपको कवर होगा। मैथ्स के कुछ टॉपिक इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर बात करूं, ये सेम चीज इंग्लिश के अंदर दे दी, खंड चार ये इसके अंदर देख सकते हैं, मैथमेटिक्स ही दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर खंड पांच के अंदर बात करूं, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन आ जाती है। पर्यावरण अध्ययन के अंदर आपकी राजस्थान जीके वगैरह इसके अंदर कवर करना होता है, राजस्थान जीके वगैरह आप इसके अंदर देख सकते हैं। राजस्थान जीके में क्या कुछ होता है, राजस्थान जीके के अंदर आपकी, राजस्थान जीके की बात करूं तो इसके अंदर आपका राजस्थान जीके के अंदर हिस्ट्री आ गई, जियोग्राफी आ गई, पॉलिटी आ गई और कल्चर इसके अंदर आ गई, चारों सब्जेक्ट इसके अंदर कवर करने होते हैं, यही आपके पर्यावरण अध्ययन है। इसके अलावा इसके अंदर बाहरी कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है, इसके अंदर ये अलग नाम दे रखा है, परिवार का हो गया, वस्त्र हो गए, इसके अलावा व्यवसाय हो गया, हमारी सभ्यता संस्कृति, परिवहन, संसार, अपने शरीर की देखभाल, संजीव जगत, जल वगैरह इसके अंदर अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन लगभग इसके अंदर आपका कवर हो ही जाता है, ऐसा कुछ बाहर का बचता नहीं है। ये सेम ही इन्वायरमेंट स्टडीज के नाम से दे दिया, इंग्लिश के अंदर सेम ही चीज़ें इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करवा दी। तो ये सिलेबस था आपके लिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट, जो आपके लिए यहाँ पे रीट लेवल 1 के अंदर जो आपका सिलेबस आता है, संपूर्ण सिलेबस एक्सप्लेनेशन किया है। ऑफ सीजन में तैयारी करना है तो ये सिलेबस आप एक पॉइंट टू पॉइंट देखते रहिएगा, ताकि आपका रीट पात्रता क्लियर हो जाए, आपके लिए 92-93 नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं आए। आप आराम से 100-125 नंबर लेकर आओ, 100-125 लाए कि बिना आप 125 नंबर पहले से आपका रीट मेंस में वैसे ही चयन नहीं होने वाला, तो पात्रता क्लियर करके क्या करोगे। तो उस हिसाब से आप टारगेट रखिए कि पात्रता भी पास हो जाए और मेंस भी पढ़ना है। मेंस का एग्जाम थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन पात्रता आपकी बहुत जल्दी आपकी होने वाली है, तो उस हिसाब से देखें तो आपको तैयारी करना बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं, नया मिलते हैं किसी सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।